आंटी आप अनम्यूट कर लो आपको। जय गुरु जी संगत जी। टुडे वी हैव पायल आंटी विद अस। आई रिक्वेस्ट पायल आंटी एंड सुरेश अंकल टू अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई रिक्वेस्ट एम आई सुरेश अंकल ऑडिबल? प्लीज कम फॉरवर्ड एंड थैंक यू पायल आंटी एंड वेलकम पायल आंटी फॉर दैट। जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी पायल आंटी, जय गुरु जी नीति आंटी, जय वेलकम गुरु जी। वेलकम पायल आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी टू ऑल द लवली संगत। गुड इवनिंग। जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पायल नीति आंटी आंटी ओवर टू यू। प्लीज स्टार्ट योर डिवाइन सत्संग। प्लीज स्टार्ट। जय गुरु जय जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग हमेशा आई फील शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड स्पीचलेस। जब भी गुरु जी का सत्संग करना होता है तो भूल चूक माफ गुरु जी, अगर कोई गलती हो गई आपके सत्संग शेयर करने में। एंड शुक्राना गुरु जी इस सत्संग कराने का, शुक्राना टू दिस प्लेटफॉर्म, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म की उन्होंने आज ये सत्संग करवाया। और वो काफी रीजनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में गुरु जी की ब्लेसिंग्स स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ ये स्पिरिचुअल पाथ, वैसे तो आई से कि मैं हाजरी गुरु जी के दरबार में 2018 अगस्त में शुरू हुई थी, लेकिन बट आई अब व्हेन आई लुक बैक तो आई फील कि गुरु जी तो जब से हम इस सृष्टि में आए तब से हमारे साथ हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप आउटसाइड इंडिया। तो चाइल्डहुड में मतलब जितना मम्मी पापा आपको बताते हैं कि कैसे हाथ जोड़ना है, पूजा करनी है, पाठ करना है। माई डैड ऑलवेज यूज टू मेक अस से गायत्री मंत्र रात को सोने से पहले, और फिर सुबह उठ के मंदिर में हाथ जोड़ना है, एंड फिर धीरे धीरे मतलब हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू हुई। और कभी कभी मतलब नवरात्रि में फास्ट रख लिए, कभी नहीं रखा, कभी सोलह सोमवार रख लिए, कभी नहीं रखा। तो मतलब आई वॉजन एन आर्डेंट फॉलोअर, बट ठीक है, ऑन ऑफ मतलब जैसे थैंक यू गॉड, भगवान जी ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस ऐसे ही हम मतलब जर्नी शुरू हुई। बट ये था कि आई वॉज इन ऑ विद शिव जी। पता नहीं क्यों, कैसे, कहाँ, वो बस उनको देख के ही मन में एक अजीब सी एक अट्रैक्शन, मतलब एक खिंचाव होता था। तो मतलब मेरे को इतना तो याद नहीं, बट यस फ्रॉम चाइल्डहुड मतलब जैसे वो टीवी पे दिखाते थे ना, रामायण महाभारत, वो ओम नमः शिवाय, और तो मतलब आई हैव वेरी फेंट मेमोरी, बट यस बचपन में देखा था। और फिर एज यू गेट इनटू हाई स्कूल तो यू आर बिजी विद योर हाई स्कूल एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो फिर सब मतलब देन एवरीथिंग इज जस्ट केप्ट असाइड एंड यू आर लाइक चलो फोकस ऑन स्टडीज। एंड फिर यूनिवर्सिटी के
दौरान समवन टोल्ड मी वन ऑफ माय फ्रेंड्स की यू नो गणेश जी को पहले पूछते हैं, गणेश जी का ये मंत्र है. तो फिर आई स्टार्टेड चैंटिंग गणेश जी का मंत्र एंड हनुमान चालीसा भी ऑन ऑफ पढ़ती थी, लेकिन मेरे को टिल डेट हनुमान चालीसा याद नहीं है. तो एंड वही नवरात्रि में आई यूज टू डू माई बेस्ट कि नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करना है, एंड जब फास्ट हो सकता था आई डिड, और जब नहीं होता था तो यू नो बाकी फिर बस वो जहाँ पूजा पाठ होकर होती थी तो यू नो माता की चौकी एंड ऑल, तो वहाँ चले जाया करते थे एंड दैट्स अबाउट इट. तो अब व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी 2010 या 11 की ये बात है, आई वॉज एट अ वेरी गुड फ्रेंड्स प्लेस एंड उनके किचन में रेफ्रिजरेटर के ऊपर टेम्पल उन्होंने बनाया हुआ था, और उस टेम्पल में गुरु जी को स्वरूप रखा हुआ था. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ गुरु जी का स्वरूप एंड आई आस्क्ड देम कि ये कौन है करके, एंड दे जस्ट सेड कि ये गुरु जी हैं एंड दैट्स अबाउट इट. दे नेवर सेड एनीथिंग एंड आई ऑल्सो डिडंट आस्क एंड दैट्स इट, चैप्टर क्लोज. फिर ये हुआ कि एक दो साल एंड दैट टाइम मोस्ट ऑफ माय जो भी सोशल सर्कल फ्रेंड्स था दे मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू गो टू गुरुजी एंड अटेंड गुरुजी सत्संग्स एंड बट यू नो नो वन एवर मेंशन्ड इट एंड बट आई वाज अवेयर कि यस दे गो समवेयर एंड सो दैट्स अबाउट इट. एंड देन फिर एक दो साल बाद अगेन when I was at a birthday party, वहाँ पे I heard another friend of mine sharing her satsang. And I didn't know that she was sharing a satsang, but I just overheard the conversation and, you know, bits and pieces and that's about it. तो मतलब अब this was the insight. अब 2006 में I'll take you back because इसके बाद आई विल टेल यू कि हाउ दिस 2006 इवेंट इज रिलेटेड इन टू गुरुजी सत्संग. 2006 में आई हैड टेकन अ सेमेस्टर ऑफ एंड विजिटेड माय नानी एंड माय नानी टुक मी टू अमृतसर, और वहाँ पे हमने वो मेरे को गोल्डन टेंपल लेके गई, वहाँ पे हमने दर्शन किए, अंदर तक माथा टेका और फिर वहाँ पे कड़ा प्रसाद खाया एंड दैट्स अबाउट इट. मेरी नानी भाई हरबंस सिंह जी के यू नो शब्द काफ़ी सुनते थे एंड बचपन से यू नो यू ऑन एंड ऑफ आपको कुछ समझ तो आता नहीं बट यू जस्ट लिसनिंग कि वो कैसेट चल रही है और आप सुन रहे हो एंड कबीर के दोहे, अब कुछ समझ तो आता ही नहीं, यू आर जस्ट अ किड कि ये क्या चल रहा है, बट वो रेगुलर चलता था एंड माय पेरेंट्स आल्सो यूज्ड टू यू नो ऑन एंड ऑफ प्ले द कैसेट. तो बस वो एक फेंट मेमोरी याद थी कि यस वी यूज्ड टू लिसन टू दिस. अब 2018 में इन मार्च माय मामा मामी गॉट टू अटेंड गुरुजी सत्संग एंड व्हेन दे अटेंडेड तो they were just in love with Guruji from the moment they, you know, जिस दिन से उन्होंने गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाई थी एंड दे स्टार्टेड इन इंसिस्टिंग कि मॉम को कि यू ऑल्सो शुड कम, यू शुड अटेंड एंड यू नो वी बींग कि क्या अटेंड करना, हम वैसे ही पूजा पाठ तो कर ही लेते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. तो slowly she started she also started going to satsangs and she told me ki and mamu also used to tell ki tum aake satsang attend kiya karo bada tumhe peace of mind milega. I used to be like ye kuch age thoda hai ki theek hai it's okay I don't want to go and all. I was resistant and I was not interested. ab usse pehle ye tha ki I mean, if you remember the saying ki when the pupil is ready, the master appears. So, matlab Guruji, if now I see sit back and think my life, so Guruji has
was preparing me for this moment. He, उन्होंने अब अपन अपन he was always there, लेकिन अब उन्होंने सामने आना है मेरे as being a guru. अब हम लोग रामायण महाभारत इन सब में देखते हैं कि you know गुरु अपने शिष्य को लेने आता है and you know उसकी पर उसको educate करता है and everything. तो me being हम लोग तो बस blindly देखते रहते हैं कि हाँ रामायण में ऐसा हुआ महाभारत में ऐसा हुआ, लेकिन you know that essence that feeling कि हाँ हमारी life में ऐसे कोई गुरु होना चाहिए, ऐसी कोई feeling नहीं थी मेरे मन में कभी भी. और मतलब ये सब चीजें हम कभी सोचते ही नहीं थे being the being a youngster, you know. And तो now this was up 2018 में was my time कि गुरुजी ने मेरे को अब इस time के लिए prepare कर लिया था कि अब मैंने इसके सामने आना है और अब मैंने इसको you know I have to pull her now. तो यही हुआ कि I was resistant and my mom decided कि हम लोग घर पे सत्संग करेंगे. And August 2018, 17th को हमारे घर में शाम को सत्संग हुआ. And 16th शाम को one of the Sangat gave us Guruji ka swaroop and you know helped us decorate the darbar and everything. And तो जब मैं गुरु जी का स्वरूप उस टाइम देखा तो आई डोंट नो एकदम से यू नो मन शांत एंड एकदम प्लेजेंट फीलिंग आई उनको देखकर. एंड बस मैं देखती ही रह गई. फिर सत्संग हुआ. जिस दिन सत्संग हुआ तो मेरे बॉडी में एकदम गोल गोल जैसे चक्र घूम रहे थे सर से लेके पांव तक. वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थी. एंड ठीक है फर्स्ट सत्संग एक्सपीरियंस अच्छा था, चलो हो गया. देन आई वॉज मॉम वॉज इन्वाइटेड टू अ सत्संग वेयर दे यूज टू बी माई फ्रेंड्स, लेकिन मेरी बातचीत एंड ऑल उनसे बंद हो गई थी. तो मॉम सेड कि चलो तुम सत्संग पे. एंड आई सेड नहीं आई एम नॉट keen to go. मैं तो अब बातचीत भी नहीं होती तो मैं you know. And she said कि you're going for Guruji, you're not going for them. तो तुम सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हो तो चलो करके. She tried to convince and then I said चलो ठीक है चलते हैं. अब ये भी एक गुरुजी का समझ लो एक टेस्ट था मेरे लिए कि ये अब क्या करती है करके. तो फिर I went for that satsang and there also I had the same feeling ki satsang attend karte karte wahi goal goal vibrations pure mere sar se paon tak. And maine man mein bas guru ji ko kaha ki guru ji I don't have any hard feelings for anyone and you know theek hai it's whatever has you know happened chalo jaan do karke. I don't have any feeling hard feelings for anyone and that's about it. And अब फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड अटेंडिंग सत्संग. अब एक सत्संग अगस्त एंड में आई हैड अटेंडेड एंड वहां पे मैं एज आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी दरबार मैं उस टाइम गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए. बाद में मैंने सोचा कि व्हाई डिड आई इवन से दिस थिंग. आई डोंट इवन यू नो थिंक अबाउट ऑल दिस की मोक्ष एंड ये वो सब. बट ये सब गुरुजी ही आपके मन में डालते हैं. गुरुजी ही वो भाव डालते हैं कि उन्होंने क्या आपसे यू नो कहलवाना है क्या आपकी. तो ये हो गया. एंड देन सितंबर में आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक स्लाइट जैसे डेजा वो काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं मॉम कहीं सजी धजी बैठी हुई है. एंड ये विजन मेरे को मतलब तीन चार बार हुआ. एंड आई टोल्ड मॉम ऑल्सो एंड शी सेड नहीं दिस इज नॉट अ गुड साइन. एंड आई टुक इट द अदर वे अराउंड कि शायद पता है शायद कोई फंक्शन में बैठी होंगी सज धज के पता नहीं अब मेरे को ऐसे क्यों दिख रही है करके. एंड ये हो गया. फिर सेप्टेम्बर एंड में मेरे को
पहली बार गुरुजी ने दर्शन दिए ड्रीम में, एंड वो दर्शन ऐसे थे कि ही हैड गिवन मी अ लेटर. उस दैट लेटर वाज इनक्लोज्ड इन थ्री एनवेलप्स, तो मतलब एक के बाद एक एनवेलप खोल के तीसरे एनवेलप में गुरुजी की लेटर लिखी हुई थी. और उस लेटर में उन्होंने मेरे को लिखा हुआ था कि तेरा और मेरा बहुत लंबा कनेक्शन है एंड मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, बस हैव फेथ इन मी करके, एंड दैट्स इट. उसके बाद मेरी आंख खुल गई एंड सुबह के 3:50 AM ऐसे कुछ था, तो मैंने कहा चलो जय गुरुजी. एंड फिर अक्टूबर में ये हुआ कि एज मॉम वॉज गेटिंग आउट ऑफ हर ऑफिस एंड स्टेपिंग डाउन द पार्किंग लॉट, तो शी ट्विस्टेड हर एंकल, एंड वो एंकल ट्विस्ट ऐसे हुआ कि उनका वो एंकल ही फ्रैक्चर हो गया. तो हर कलीग्स हेल्प्ड हर एंड देन माई डैड टुक हर टू द हॉस्पिटल फॉर प्लास्टर, एंड पूरा प्लास्टर चढ़ के एंड विद द क्रचेस शी केम होम. तो फिर अब इमिजिएटली ऑफिस में आई पुट फॉर लीव कि ठीक है अब समवन नीड्स टू बी एट होम टू हेल्प मॉम करके. एंड यहाँ से अब गुरुजी की मतलब ट्रेनिंग शुरू हो गई, जैसे कह लो कि पहले तो मॉम की पूरी मतलब यू नो खाना पीना दे, हेल्प हर इन एंड आउट एंड यू नो, तो पेरेंट की सेवा. सेकेंडली ये कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बने एंड वेदर कंडीशंस कुछ ऐसे थे कि हैवी रेनफॉल की वजह से मेरे ऑफिस का गो डाउन एंड आईटी सर्वर रूम सब पानी में आ के अंडर था. तो ये हुआ कि माय ऑफिस वाज नॉट ऑपरेशनल, तो उसकी वजह से मेरे को और मतलब आराम से छुट्टी मिल गई. एंड मेरे को बीच बीच में सिर्फ एक दो घंटे के लिए जाना होता था ऑफिस एंड शक्ल दिखा के मैं आ जाती थी. तो जय गुरुजी, मतलब गुरुजी मेड इट, मतलब गुरुजी ने ऐसा रास्ता बनाया कि मेरे को मेरी मतलब एनुअल वेकेशन भी ऐसे टच नहीं हुई और मेरे को ऐसे एक्सटेंडेड छुट्टी भी मिल गई टू हेल्प मॉम आउट विद हर रिकवरी. एंड अब उस दौरान गुरुजी ने दो सत्संग घर पे करवाए एंड मॉम ने सिर्फ मतलब मॉम हैड डन दरबार की सजावट एंड मुझसे गुरुजी ने पूरा अकेले लंगर बनवाया और संगत की सेवा कराई. एंड आई मीन ये सब अब मैं बैठ के सोचूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी ये मेरे में तो इतनी मतलब ये सब आपने ही किया है, मैं तो कुछ भी नहीं मतलब. तो मतलब गुरुजी ने बिन मांगे अपनी सेवा और सत्संग कैसे करा ली और कैसे हिम्मत दी, वो मतलब गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जाने. तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने उस दौरान सत्संग करवाए, गुरु संगत की सेवा कराई और लंगर बनवाया. और तब से फिर जब भी हमारे घर में सत्संग होता है तो मेरी किचन में चाय की सेवा हमेशा एक जैसे मानो गुरुजी ने दे दी है ड्यूटी की, अब तुमने ये सेवा करनी है. तो जब भी हमारे घर में सत्संग होता है तो मेरी सेवा हमेशा चाय की रहती है किचन में. तो जय गुरुजी. फिर अब आया करवा चौथ. जब करवा चौथ का टाइम आया तो बहुत बड़ा सत्संग का फंक्शन था एक संगत आंटी के घर पे एंड मॉम वाज यू नो हाफ माइंडेड कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन ऐसे यू नो प्लास्टर के साथ कैसे ये वो, बट शी मेड अप अ माइंड एंड देन तैयार होके वी हेल्प्ड हर एंड हम लोग सत्संग अटेंड करने गए. जब हम सत्संग में बैठे हुए थे एंड आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू माई मॉम, तब मेरे को वो विजन जो देजा वो विजन दिखाया गुरुजी ने कि मॉम सज धज के बैठी हुई
तो वो इस चीज का इशारा था कि ये होने वाला है. एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग हर फॉर हर रिटायरमेंट ऑल्सो. तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आप छोटे से छोटे कष्ट में भी मतलब कैसे हम सबको तार देते हो. तो बस शुक्राना शुक्राना गुरु जी. ऐसे ही फिर डेली कुछ ना कुछ सत्संग एक्सपीरियंस होते रहे, ऑन एंड ऑफ सत्संग अटेंड करते रहे. एंड मैं मतलब मेरे को अच्छा लगता था, कभी कभी मैं जाती थी कभी कभी नहीं जाती थी, तो ऐसे ही बस चलता रहा. अब आया जुलाई 2019. अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2019 में मेरे मामा के घर सत्संग था. एंड वहां जब मैं सत्संग पे बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीठ पे ऐसे हाथ रख के दबाया हुआ है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. मैं सोचा शायद कोई मतलब किसी ने कोई ढासना लगा के बैठा हुआ है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं. तो मैंने कहा वाह, ये क्या हुआ एक्सपीरियंस. फिर गुरुजी के बर्थडे का फिर सेलिब्रेशन हुआ सत्संग, एंड वो अटेंड किया. अब जुलाई 10th की बात है कि अर्ली मॉर्निंग अगेन मेरे को ड्रीम में ये दिखता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, एंड मेरे डोर बेल बजती है. और जब मैं डोर खोलती हूँ तो मेरे को साक्षात गुरु नानक देव जी के दर्शन हो रहे हैं. एंड ही सेइंग, संभल के चल, मैंने तेरे को आधे घंटे पहले बचा लिया. एंड आई जस्ट गेट अप इन शॉक कि हैं ये क्या देखा मैंने. एंड मैं थोड़ी एकदम से घबराई हुई कि ये क्या है, ऐसे क्यों आया मेरे को. फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी मॉम से जब शेयर किया कि मेरे को ऐसे दिखा, तो शी सेड कि हाँ मे बी ये मैसेज होगा कि कि हमेशा गुरुजी साथ हैं एंड वो हमें संभाल रहे हैं और करके. और ये ऐसे ही सोच के हम लोग फिर आई वेंट टू ऑफिस एंड दैट्स अबाउट इट. अगले दिन मेरे ब्रदर की जॉब लगी, एंड उस दिन फिर वी डिसाइड कि चलो हम लोग सत्संग करते हैं अगली. तो 12th जुलाई को मॉर्निंग में फिर हमने घर पे सत्संग किया. अब ये था वीकेंड. वीकेंड के बाद 15th जुलाई को अब मैं ऑफिस गई हूँ, तो एंड आई जस्ट फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मैं कुछ काम कर रही थी कि मेरे को एकदम से एक शूटिंग पेन शुरू हुई ऑन माई लोअर अपडोमेन राइट साइड. और वो पेन इतनी जबरदस्त कि मैं या तो ना मेरे से बैठा जाए ना मेरे से खड़ा हो जाए. मैं इधर उधर चलने की कोशिश कर रही हूँ थिंकिंग कि शायद कुछ मसल पुल हो गया होगा या कुछ, बट आई वॉज इन लाइक सफरिंग विद दैट शूटिंग पेन. तो मैंने फिर फोन किया अपनी मॉम को कि मेरे को काफी दर्द हो रही है एंड आई कैन नॉट बेयर इट. तो शी सेड अच्छा चलो लेट्स गो टू द हॉस्पिटल. तो हम लोग हॉस्पिटल गए. तो हॉस्पिटल गए तो अब दे आर ट्राइंग टू चेक माय पैरामीटर्स. तो माय बीपी वाज रियली गोइंग हाई हाई, मतलब लाइक क्रेजी हाई. एंड दे आर लाइक व्हाई इज योर बीपी सो हाई. आई एम लाइक मे बी बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज माय द पेन इज नॉन स्टॉप. एंड और मेरे अब रोने निकल रहे हैं कि अब आई एम कि मैं वो पेन क्या करूं. तो दे पुट मी इन ऑन पेन किलर ड्रिप थिंकिंग कि शायद पेन कुछ सबसाइड हो जाएगा, लेकिन नथिंग हैपन. तो आफ्टर 3 आवर्स एंड उस टाइम आई वॉज जस्ट टेलिंग गुरु जी कि प्लीज मेरे को यहाँ पर रात नहीं बितानी करके हॉस्पिटल में. तो ये हुआ कि अब वो पेन किलर ड्रिप के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, फर्क कुछ नहीं पड़ा, तो दे सेड ओके लेट्स डू अ सीटी स्कैन. सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि देर वॉज सम ग्रोथ करके
in the abdomen, and they referred to another hospital, and they said go in the morning. So they discharged me. I got to go home. I said Shukrana Guruji, and fir main kisi tarah, you know, I came home and I slept off. Fir agle din utke got ready, went to the hospital which they referred to. और वहां गए तो दे डिड अल्ट्रासाउंड एंड ऑल एंड पेन वाज तो कांस्टेंट एंड द डॉक्टर्स केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड फिर व्हेन दे सॉ द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दे सेड वी नीड टू डू एन इमरजेंसी सर्जरी एंड आई सेड ओके गो अहेड डू व्हाटएवर यू नीड टू डू बट गेट हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस पेन मेरा सिर्फ ये आंसर था एंड दे सेड ओके वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर सर्जरी करके एंड उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया. अब व्हेन दे असाइन मी द रूम तो व्हेन माय मॉम वाज टेकिंग मी तो हमें कमरा मिला 7 और बेड मिला 7-2 मतलब 7-2. तो मैं और मॉम एक दूसरे को देख के वी वर लाइक जय गुरुजी. मैं तो बिल्कुल भी मतलब आई वाजंट इवन टेंस्ड कि यू नो कि कुछ होने वाला है करके. मेरे को I was just, I had full faith ki nothing is going to happen and aur us din Guru Purnima ka din tha. Ab ye hai ki jab wahan pe Guru Purnima ka function shuru hua evening mein, they took me to the operation theater and jab wahan pe langar serve hua tab I came back to my room. To matlab jai Guru Ji, matlab Guru Ji ki timings and गुरुजी कब कैसे क्या करवाते हैं. तो आई हैड अ सक्सेसफुल ऑपरेशन और वो जो भी ग्रोथ थी एंड ऑल दे रिमूव्ड इट एंड एवरीथिंग वाज फाइन. एंड द नेक्स्ट डे जब आई वाज अनकॉन्शियस स्लीपी मोड तो मैं उस दिन 16th रात को तो मेरी आँख कुछ खुली नहीं बट नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जब मेरे को डॉक्टर ने मेरे को उठाने के बाद I thought let me listen to Amrit Vela playlist. तो playlist जब मैंने play की YouTube पे on my phone, तो एक ओंकार के बाद एक शब्द चला and उसके बाद पूरी playlist empty and then it directly went to Anant Paya में माय सतगुरु में. तो मैं कहा oh my god गुरुजी मतलब I mean ऐसी blessings. I mean उस time तो आप बस you know you're out of words, you're speechless, aapko samajh nahi aa raha hota ki aapke saath ho kya raha hai. And aise matlab blessings ki unhone matlab I was just like shukrana guruji and jai guruji. Phir when I was still recovering in the hospital to meko do teen din baad guruji ne darshan diye ki guruji kisi kamre mein baithe hue hain. And I go there and I sit and he asks me kaisa lag raha hai and I said acha lag raha hai and he's smiling and unke meko chest pe trishul bana dikhta hai. So I'm like chalo de guruji ke darshan ho gaye jai guruji pe. But later on but kafi time baad when I heard painter uncle ka satsang to he had said ki guruji ki peeth pe neck ke piche trishul bana hua tha. Maine kaha oh my god मतलब गुरुजी कैसे हम सबको मतलब यू नो एंडोर्स और वैलिडेट करके दिखाते हैं कि यस जो मैंने दिखाया है तुम्हें वो यू नो वो सच में मतलब मेरे दर्शन थे. तुम कुछ इमेजिन नहीं कर रहे थे यहाँ. तो शुक्राना 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 गुरुजी का. अब फिर ये हो गया. अब सो this was my matlab blessing health ki blessing jo guruji ne mereko di July 2019 mein. To ab why I had mentioned that 2006 incident was it meko ab samajh aaya ki guru ki maine golden temple mein wahan matha teka aur main koi as such follower bhi nahi hu and all lekin meko guru nanak dev ji ke matlab darshan unhone diye matlab hum I mean, कैसे हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं किस फॉर्म में ब्लेस करते हैं. आई मीन हम लोग तो बस जितना भी शुक्राना करें जितना भी मतलब इट्स जस्ट यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की
फिर अब 2019 फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा, सत्संग चलते रहे, अब डेली कुछ ना कुछ तो सत्संग होते ही रहते हैं. बट लेट मी कम डाउन टू अब 2020 जैन में मुझे ड्रीम आता है, फिर से गुरुजी दर्शन देते हैं कि मैं और मॉम कहीं बैठे हुए हैं एंड वहाँ गुरुजी आके हमारे साथ बैठते हैं. एंड मैं मॉम को देख बोल रही हूँ, मॉम देखो देखो गुरुजी आए हैं, और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं और मैं भी उनको स्माइल करके पूछ रही थी आप कैसे हो गुरुजी, तो वो कहते हैं सब बढ़िया करके. एंड देन ही दैट देन क्या होता है कि he suddenly it changes to he some dark place and he says ki apne you know shav ko nahi dekhna chahiye, rooh ko bahut takleef hoti hai karke. And suddenly again then the image changes to pura white, or matlab charo taraf sirf snow hi snow, mountains, and you know guruji aage aage chal rahe hain aur main aur mom unke piche piche chal rahe hain. And he says कि मैं और गौरा माँ अक्सर यहाँ चलने आते हैं करके. And वो he is walking walking और हम उनके पीछे पीछे. And then फिर he just suddenly goes to a very distant place and I look at him and I say गुरुजी बस सबको bless कर दो, सबको सबका कल्याण कर दो. And he raises his hand and he says जा किता. And that's it. The dream ends. I was like, wow, Jai Guruji. Ab aaya February. February end mein, you know, we started knowing ki COVID ka shuru hua and all. So Feb mein, meko ye ek aur phir dream darshan hua hai ki हम किसी संगत आंटी के घर पे हैं, वहां पे सत्संग चल रहा है एंड गुरुजी वहां पे साक्षात विराजमान है. एंड ही टेल्स मी सऊदी अरेबिया करके एंड हवाई अड्डा, दैट्स इट. एंड आई एम लाइक, मैं अब सोच ही जाऊं कि ये हम लोग तो कभी ऐसे लैंग्वेज यूज करते नहीं, हवाई अड्डा, एंड ये क्यों, मतलब ये गुरुजी का मेरे को समझ नहीं आया क्या है सऊदी अरेबिया एंड हवाई अड्डा. तो वो इशारा बाद में समझ आया जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो सऊदी अरेबिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लाइट्स बंद कर दिए थे. तो मतलब जय गुरुजी, मतलब गुरुजी कैसे आपको इशारा दे देते हैं कि अब कैसे टाइम आने वाला है, क्या है. अब अप्रैल में आई वाज सपोज टू गो फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग टू दिल्ली. एंड मैं सोचा था कि इसी बहाने यू नो गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने को मिल जाएंगे, बिकॉज़ आई हैव नेवर विजिटेड द एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर एंड या जलंधर मंदिर. तो पर अब ये लॉकडाउन शुरू हो गया, पर लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा कि आई मीन उन्होंने लॉकडाउन में हर रोज लाइव मंत्र जाप बड़े मंदिर के दर्शन करवाए. तो मतलब जय जय गुरुजी, मतलब गुरुजी कैसे, मतलब हम लोग मतलब सोचते नहीं, और गुरुजी कैसे हमारी वो इच्छा मतलब पूरी कर देते हैं कि ठीक है तुम नहीं आ सकते, मैं अब तुम्हारे पास आता हूँ. फिर तो हम लोग हर रोज फिर और फिर यू नो सब संगत के फेसबुक पे धीरे धीरे सत्संग शेयर होने लग गए, जूम प्लेटफॉर्म शुरू हुआ. तो ऐसे मतलब कोविड का वो जो लॉकडाउन टाइम था वो ऐसे ही मतलब यू नो आराम से दिन शुरू होता था, यू नो सत्संग एंड ऑल शुरू करके, एंड रात सुनते सुनते और रात को भी यू नो सोते सोते सत्संग, यू नो सत्संग सुनते सुनते. अब बीच में ये था कि वाइल लॉकडाउन आई थिंक मार्च के आसपास की राइजिंग, एंड हम सब
मतलब किसी टॉल हाई राइज बिल्डिंग में सब इकट्ठे हो रहे हैं, बट पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और जो मंत्र जाप कर रहा है वो पानी में फ्लोट हो रहा है. एंड फिर सडनली दैट ड्रीम चेंजेस की किसी के घर पे हम लोग बैठे हैं, वहां सत्संग चल रहा है और सब मंत्र जाप कर रहे हैं. आई मीन अब मैं ये सोचने बैठती हूँ तो मेरे को लगता है गुरुजी आप कैसे कैसे हम लोगों को इशारा देते हो कि टाइम्स आर नॉट गुड और मंत्र जाप करते रहो तो आप तर जाओगे. और सेम टाइम मैं विष्णु पुराण मैंने देखना शुरू किया था, तो विष्णु पुराण में भी मतलब सेम चीज उन्होंने दिखाई कि कैसे पानी का भाव बढ़ा, कैसे उन्होंने सिर्फ मतलब द नेसेसरी स्पेसिमेंस सबको इकट्ठा किया टू रीजेनरेट अगेन अर्थ और बाकी सबको वॉश आउट कर. तो मतलब ये भी एक हम सबको एक सीख मिलती, हम लोग बैठ के देखते हैं तो हैं लेकिन हम लोग समझते नहीं कि हमें क्या यू नो दिखाने की मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सीखो जो आप देख रहे हो जो लिखा है जो यू नो कि ये सब यू नो डोंट टेक इट लाइटली. एंड तो जय गुरु जी. अब ये एक बार फिर ऐसा हुआ लॉकडाउन में कि मैं बस ऐसी गुरु जी के स्वरूप के आगे ऐसी बातें कर रही थी और मैं गुरु जी का आप सबको तो किसी ना किसी संगत के थ्रू मैसेज देते रहते हो, मेरे को तो कभी कोई मैसेज दिया नहीं. मैं बस ऐसी बोल के मैं बस फिर मंत्र जाप का टाइम था तो मैं मंत्र जाप के लिए बैठ गई. अब मैं जैसे मंत्र जाप मैंने खत्म मतलब खत्म हुआ है और मैं उठी हूँ तो मेरे को उसी टाइम फेसबुक पे किसी संगत आंटी का मैसेज अननोन टू मी आया हुआ है कि मेरे सन को गुरुजी ने आपके लिए मैसेज दिया तो आप उससे बात कर लोगे. मैंने कहा ओह माय गॉड जय गुरुजी जय गुरुजी जय. मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो मतलब एक मिनट भी नहीं सोचा यू नो पूरा इच्छा पूरी करने में. तो फिर मैंने उन उन संगत अंकल से बात की तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा बोला है कि आपको ये डेट पे सत्संग करना है करके. मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो जय गुरुजी. अब अगर गुरुजी ने कहा है सत्संग करना है तो करेंगे. फिर वो होता है ना थॉट कभी कभी कि यू नो कहीं ऐसे ही अपने मन से तो नहीं लगा लिया करके. अब ये जून 7th की आस 2020 की बात थी. अब मेरे को 8th या 9th जून को गुरुजी ड्रीम में दर्शन क्या देते हैं कि गुरुजी और उनके साथ तीन और आदमी आके बैठ के लंगर कर रहे हैं. एंड आई गॉट अप एंड आई सेड कि नहीं अब मतलब अगर ये गुरुजी का ड्रीम है तो मतलब सत्संग करना ही है. तो आई टोल्ड दिस टू माय मॉम और फिर हमने कहा चलो ठीक है हम लोग सत्संग करेंगे. एंड जून 18th को हमने सत्संग रखा. एंड गुरुजी मतलब हमेशा सत्संग अच्छे से करवाते हैं तो शुक्राना 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 गुरुजी. फिर लोकल यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में हर सैटरडे धीरे धीरे पहले सत्संग शुरू हुआ और फिर गुरुजी ने एक बार वो लोकल प्लेटफॉर्म पे मंत्र जाप की सेवा दी विच वॉज लाइक एकदम शॉकिंग टू मी कि मतलब गुरुजी मैं मंत्र जाप कैसे मतलब करूंगी, आपको ही मेरी आवाज बनना पड़ेगा करके. एंड गुरुजी ने मंत्र जाप करवाया उस दिन. उसके बाद जुलाई में फिर से जो एक डेली सत्संग करके हम लोगों का लोकल प्लेटफॉर्म शुरू हुआ जिसमें हर रोज रात को हमने बैठ के सत्संग करने जूम पे करने थे. एंड वहां पे अब गुरुजी ने एक बार क्या हुआ कि मैं और मॉम बैठे हुए थे सत्संग, मॉम ने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी. प्लेलिस्ट में अब ना मॉम ने देखा और ना जो होस्ट आंटी थी उन्होंने देखा
कि मंत्र जाप लेने से, अब आप प्ले लिस्ट चेक करते हो, अब मंत्र जाप कैसे भूल सकते हो डालने, तो लेकिन ये भी गुरु जी की लीला थी कि उन्होंने ऐसे करवाया। और फिर उस दिन फिर वो होस्ट आंटी ने हमें कहा कि आप अब मंत्र जाप करो, एंड तब से फिर गुरुजी ने हमको हर रोज मतलब मंत्र जाप की फिर सेवा दी करने की, कि रात को मतलब मैं ही मुझे गुरुजी ने कहा कि तुमने अब मंत्र जाप करना है। तो अब बीच बीच में ये होता था कि मैं सत्संग अगर सुनते सुनते सो भी गई, लेकिन गुरुजी मेरे को ऐसे मंत्र जाप से पहले ऐसे उठा देते थे कि उठ जा पे सेवा है तेरे को मंत्र जाप करना है। तो हर रोज गुरुजी ने इतने महीने जब तक मतलब ऑलमोस्ट ईयर एंड तक दिसंबर तक गुरुजी ने हर रोज मेरे से मंत्र जाप की वो सेवा ली है। तो शुक्राना 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 गुरुजी कि आपने ये सेवा सिमरन सत्संग मतलब ये हमें मतलब मुझे तो ये इन सब शब्दों का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन यू ब्रॉट मीनिंग into my life, तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी इन सब चीजों का मतलब समझाने के लिए कि सेवा क्या है, सत्संग करना क्या है और सिमरन में कैसे बैठना है करके। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपने ये सब सिखाया। तो एवरी फ्राइडे मॉम की सेवा होती थी प्लेलिस्ट बनाने की और मंत्र जाप की, और बाकी रेस्ट ऑफ द डेज मैं सेवा होती थी कि मैंने मंत्र जाप करना है। कभी कभार ऐसा होता था कि जिस दिन मेरी अगर कॉल नहीं है तो वो कोई दूसरी संगत मंत्र जाप करती थी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने इस लायक समझा। अब ये हुआ कि कोविड के लॉकडाउन के टाइम हमारे को हमारी बिल्डिंग से नोटिस मिलने से पहले कि दे आर रेनोवेटिंग द बिल्डिंग, तो हम लोगों को वेकेट करना पड़ेगा। उससे पहले एक रात मुझे ड्रीम आता है कि मैं कमरे में टीवी लगा हुआ है एंड उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी करके मैसेज फ्लैश होता है एंड मैं उठ जाती हूँ एंड आई एम लाइक मेरे कमरे में तो टीवी है ही नहीं, तो ये ऐसा क्यों मेरे को ड्रीम आया कर। पर फिर वही थोड़े दिन बाद ये हमें मैसेज आया कि आपको आपकी बिल्डिंग हम मतलब बिल्डिंग रेनोवेट होने वाली, तो यू हैव टू वेकेट द हाउस। तो हमें गुरु जी की कृपा से बहुत जल्दी अच्छा घर भी मिला जिस तरह का घर चाहिए था, एंड हमारी अच्छी तरह गुरु जी ने शिफ्टिंग भी करवा दी और और जो गुरुजी ने मेरे को विजन दिखाया था कि मेरे बेडरूम में टीवी लगा है, तो आज की डेट में मेरे कमरे में वो बिग फ्लैट स्क्रीन टीवी लगाया है। तो जय गुरुजी शुक्राना, मतलब गुरुजी कैसे आपको ब्लेस करते हैं एंड मतलब आप सोचते भी नहीं, और गुरुजी कैसे एंड जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं जो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसे चाहिए वैसे चाहिए था ये है वो है, तो कैसे वो अपने टाइम से पूरी करेंगे ये आप ले चीज मांग सोची थी इस बारे में, लेकिन वो कैसे पूरी करते थे अब बस वो आपको बस चौकन्ना सरप्राइज ही करते रहते हैं। तो ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरु जी। अब इफ आई रिलेट ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी डेज, या तो ये कौन करवा सकता है कि मैं अंडरग्रेड में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, और मैं लास्ट अंडरग्रेड में, अब आपको पता है यूएस में मतलब 12 to 16 क्रेडिट्स यूजली होता है नॉर्मल रेट लेना क्रेडिट्स रजिस्टर करने के लिए, 18 इज लाइक पुशिंग टू द लिमिट, लेकिन 21 क्रेडिट्स वो भी दोनों सेमेस्टर्स, वो भी लाइट सब्जेक्ट्स नहीं, पूरे आपके मेजर सेमेस्टर
मेजर समय मेजर आपकी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स, तो गुरुजी ने मतलब दोनों में से वो 21 क्रेडिट्स रजिस्टर करवाए मेरे फाइनल ईयर में अंडरग्रेड में, प्लस मैं 20 आवर्स ऑन कैंपस ड्यूटी भी करती थी, और फिर जो हमारा दोस्तों के साथ उठना बैठा, तो मेरे को तो लोग जिसको भी पता चलता था कि इसने 21 क्रेडिट्स लिए, तो यूज टू से आर यू मैड। मैंने कहा, मैं उस टाइम तो मेरे को गुरुजी का पता ही था, तो मैं उसने कहा यू नो सब ठीक है, ऊपर वाला करवा देगा, आई डोंट हैव टू वरी। एंड लिटरली गुरुजी ने मतलब गुरुजी प्रिपेयर्ड मी फॉर सच अ हार्ड टास्क कि तूने करना है, और उन्होंने मेरे को पूरी वो शक्ति और स्ट्रेंथ दी। तो और उन्होंने यू नो थैंक गॉड उन्होंने मेरे को वो एज शॉर्ट में वो सारी क्लासेस पास भी करवा दिए। तो अब मैंने कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बीइंग हैविंग ऑल द पेपर वर्क, हैविंग बीइंग द एक्सेलेंट कैंडिडेट विद माय डिग्री क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, लेकिन एंड परफेक्ट एंड मतलब स्कोर आई फिल वो आईएलटीएस का एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी मेरी एप्लीकेशन किधर गुम हुई या इनकम्प्लीट एंड ऑल कैसे रह गई, वो आज तक मेरे को पता नहीं चला। इस ये भी मतलब एक गुरुजी की लीला थी कि वो शायद चाहते ही नहीं थे कि मैं बाहर फिर से जाऊँ, कि प्रॉब्ली आई एम, उन्होंने अब मेरे को अपनी तरफ जोड़ना था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बाहर कभी जाने दिया ही नहीं। यहाँ ही थॉट कि दिस इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ, इसका कल्याण यहाँ पे रह के उन्हें। जय गुरु जी। अब जैसे ये इमिग्रेशन का मतलब आई वॉज डिसअपॉइंटेड मेरा काम क्यों नहीं हुआ करके, तो मैं फिर सोचा कि क्या मैं डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करूँ, तो एंड आई आस्क्ड माय मॉम एंड शी सेड देख लो तुम कि कैसे करना है करके। तो मैंने ऑनलाइन ऐसे डाल दिया एप्लीकेशन कि देखेंगे ट्राई करते हैं। एक हफ्ते में मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई, मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर भी आ गई, और मतलब इमीडिएटली डिस्टेंस लर्निंग से आई कुड स्टार्ट माय डॉक्टरेट। तो जय गुरु, मतलब उस टाइम तो, एंड ये 2015 की बात, अब मैं एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, अब ना मुझे कोई खबर कि रिसर्च का टॉपिक कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्लासेस कैसे करूंगी। फर्स्ट कोर्स लेते ही मेरे को तो हवाइयां उड़ गई थिंकिंग की कहीं मैंने मैं कैसे करूंगी, मेरे को तो कुछ आता नहीं ये वो कर। लेकिन मतलब गुरु जो उन्होंने करवाना होता है आपसे, तो मतलब फिर तो आप उनके हिसाब से ही चल रहे हो ना, आप नहीं कर रहे होते, वो आपसे करवा रहे हो। तो उन्होंने वो डॉक्टरेट डिग्री एग्जैक्टली 1 ईयर में मेरे से कंप्लीट करवाई, वो भी पूरी थीसिस और रिसर्च और मतलब पूरा डिफेंड करवा के, सब टॉपिक कहाँ से आया कैसे आया, मतलब सब गुरुजी करवाने वाले। तो मैं तो बस अब मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हुआ मतलब, बट अब मैं सत्संग जब सुनती हूँ संगत के, तो मेरे को तो आई नो कि ये सब उस मतलब जब मैं गुरुजी के दरबार में मेरी हाजिरी नहीं भी लगी थी, तब भी गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे, एंड वो सब मैं हर स्टेप ऑफ द वे जो उनको लगता था ठीक है मेरे ही, तो वो करवाते थे। एंड 2015 से पहले उन्होंने, जैसे आई सेड ना कि व्हेन द पीपल इज रेडी द मास्टर अपीयर्स, तो गुरुजी ने मेरे को इस जर्नी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मुझे जितना मेरा इतना बड़ा सोशल सर्कल होता था ना, सब धीरे धीरे मतलब हट गया, एंड आई बिकेम आई मीन वेरी फ्यू लिमिटेड में बड़े सेलेक्टिव दोस्त रह गए, एंड जितना मेरा सोशल घूमना फिरना डेली एवरी वीकेंड नॉन स्टॉप होता था, मैं कभी घर पे बैठती ही नहीं थी, उतना ही मतलब गुरुजी ने ऐसे किया कि मैं फिर
आई स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम एट होम, मेरे को घर पे बैठने की आदत लगाई गई है एंड नाउ आई एंजॉय. अब मेरे को ऐसे कोई बोलता है ना कि बाहर चलो लेट्स मीट अप लेट्स डू, मेरा मन ही नहीं करता. मतलब गुरुजी ने ऐसे अपने साथ पकड़ के जोड़ के रखा हुआ है कि अब यू नो आई एंजॉय बीइंग इन हिज दरबार एंड अटेंडिंग हिज सत्संग्स एंड यू नो मैं बस डे नाइट सुनती रहूं सत्संग और शब्द. तो आई एम हैप्पी डूइंग दैट. मेरे को कोई अपना वो पार्टी सीन सोशल सर्कल एंड ऑल सब मतलब सर हर चीज से गुरुजी ने मेरे को मतलब हटा दिया पहले ही इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मी फॉर दिस स्पिरिचुअल राइड. तो आई एम रियली थैंकफुल थैंकफुल टू गुरुजी के. तो अब 2020 न्यू ईयर का टाइम आया तो 31st दिसंबर गुरुजी ने ऐसे ही करवाया कि मैं उस दिन सोचा था कि मैं ऑफिस नहीं जाती, मैं आज घर पे बैठती हूँ करके. तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली. अब मैं उठी हूँ एंड मेरे को आ गया एक सत्संग संगत आंटी से कि आज आपने मंत्र जाप करना है ऑनलाइन और आपने सत्संग शेयर करना है. मैंने कहा वाह गुरुजी, मतलब ईयर एंड भी आप मतलब सत्संग शेयर करा रहे हो और मंत्र जाप करवा रहे हो तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. तो मेरा दिन फिर ऐसे ही शुरू हुआ और पूरा दिन ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते करते करते फिर रात को न्यू ईयर स्पेशल सत्संग इनमें था ऑनलाइन जूम पे लोकल अटेंड करने के लिए. तो मॉम को इनवाइट था तो मॉम चली गई बाहर एंड आई वाज सिटिंग एंड अटेंडिंग. मैं जूम पे सुन रही थी गुरुजी का सत्संग. अब हम सारे घर वाले एक ही कंट्री में होने के बावजूद 31st दिसंबर रात को सब अलग अलग डायरेक्शन में उस टाइम 12 बजे के टाइम थे. माय ब्रदर हैड गॉन टू वर्क एंड माय अदर ब्रदर हैड गॉन टू असिस्ट हिम. डैड वाज समवेयर एल्स, मॉम वाज समवेयर एल्स और मैं अकेले गुरुजी के साथ बैठी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही हूँ और गुरुजी को मीठा भोग लगा के हैप्पी न्यू ईयर विश करके. तो एंड जैसे ही विश किया तो फिर मॉम थोड़ी देर बाद एंटर हुई तो मैं वाह गुरुजी आज तो मतलब स्पेशल स्पेशल अकेले 1-to-1 मतलब आपने यू नो न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट किया. तो शुक्राना 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 गुरुजी. अब आई फॉरगॉट अबाउट माय बर्थडे सत्संग नवंबर में. क्या हुआ कि आई वॉज नवंबर फर्स्ट वीक की बात है, मैं ऐसे कहीं बैठी हुई थी तो मेरे को सडनली ऐसे यू नो कुछ जैसे दूल्हे के रूप में ऐसे कुछ दीवार पे दिखे करके. तो मैं ऐसे ही मन में पूछने लगी, मैं क्या गुरु जी क्या आप मेरे दूल्हा हो करके. एंड मैं बस ऐसे ही बोला और मैं भूल गई. अब नेक्स्ट मिनट जैसे ही मैं अपना फोन चेक करती हूँ तो मेरे को ये प्यारी संगत आंटी बोलती है गुरु जी टोल्ड मी टू गिव यू दिस हार्ट ऑफ रोज़. मैं कहा ओ माय गॉड गुरु जी आपका मतलब छोटी सी छोटी बात मतलब कैसे सुन के रिस्पॉन्ड करते हो. तो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी. तो ये हुआ 5th नवंबर. अब 8th नवंबर मेरा बर्थडे होता है तो मिडनाइट से मतलब रात को जूम अटेंड किया सत्संग एंड फिर साई संगत ने ऑनलाइन विश किया और फिर घर पे भी रात को मिडनाइट केक कटिंग हुई है. फिर हम लोग सो गए कि ठीक है अगले दिन ऑफिस जाकर. अब मैं एक ऑफिस में हूँ एंड मेरे को अब फोन आए जा रहे हैं घर के एड्रेस के लिए एंड ऑल दैट. अब मैं क्या बोलूं गुरुजी की मस्ती गुरुजी की लीला कि
उस दिन मेरे बर्थडे पे पूरा डाइनिंग टेबल वाज फिल्ड विद लाइक 8 केक्स एंड चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज एंड रेड बुके ऑफ रोजेस एंड येलो बुके ऑफ रोजेस एंड मैंने कहा वाह वाह गुरु आप इतना मतलब कैसे आप अपनी संगत का बर्थडे मतलब इतने प्यार से मनाते हो कि लाइफ में मेरे को कभी किसी ने कभी बुके ऑफ रोजेस नहीं दिए लेकिन यहाँ पे तो आपने तो मतलब आज तुम पूरा प्यार ही निछावर कर दिया तो और मैं मीठे की शौकीन अब इतने सारे केक मैंने कहा यार कैसे ये खुद अकेले तो हमने फिर धीरे धीरे वो केक सबको बांटे और पर बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपने इतना स्पेशल बर्थडे मनाया मेरा एंड उस दिन एक हैरानगी की बात कहूँ या कि हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं फ्रॉम माय डैड साइड जिनका नाम भी गुरु जी के नाम की तरह है तो ही आई मीन वी हैव बीन टच ऑनलाइन एंड ऑल लेकिन मिल और मैं ज्यादा उनसे मिली नहीं बट हम लोग अच्छे मतलब यू नो वी कीप इन टच एंड ऑल कर तो उन्होंने भी मतलब ब्लेसिंग्स एंड लव यू नो जैसे उन्होंने अपना नाम लिखा था मैंने कहा ओ गुरुजी आपका तो यू नो वैसा लगा कि मतलब ये गुरुजी ही करवा रहे हैं कि गुरुजी का नाम लिखा हुआ एंड निर्मल उनका नाम तो भूल चुक माँ आप गुरु जी का नाम लिया आपका तो मतलब थैंक यू गुरु जी शुक्राना सो मच आप इतने प्यार से मतलब हम सबका ख्याल रखते हो हमारी छोटी सी छोटी इच्छा मतलब आप पूरी करते हो तो अब ना सत्संग ये अब 2021 की बात है कि क्या हुआ कि मैं एक्चुअली एक गाना सुन रही थी पाकिस्तानी सिंगर का कमली कर एंड मॉम ने मेरे को पहले वो गाना सुनाया था आई डिडंट पे अटेंशन टू इट एंड उस टाइम वो खिंचाव नहीं हुआ था बट जब अब मैं फिर पता नहीं क्यों हुआ मेरे ऑफिस में मैंने फिर वो गाना लगाया और मैं सुनती मैंने वो सुनना शुरू किया अब मैं सुन रही हूँ तो मुझे मजा आ रहा है अब मैं बार बार उसको रिपीट पे लगाऊं और मैं सुनती जाऊं एंड पूरा दिन ऐसे ही निकल गया कि मैं वो गाना कमली करके सुन रही थी और ये सिर्फ मुझे पता है एंड और किसी को तो पता ही नहीं तो और गुरु जी देख रहे अब थोड़े दिन पहले मेरे को एक प्यारे संगत अंगल से मैसेज आया था कि पायल पुत्र सदा खुश रहो एंड अब ये मैं गाना सुन रही थी अब नेक्स्ट मॉर्निंग आई गेट अप एंड आई ओपन माय व्हाट्सएप मैसेजेस एंड आई एम शॉक्ड और मैं जो जोर जोर से हंस रही हूँ क्योंकि जो मेरे को मैसेज आया द मैसेज वॉज पुत्र तू कमली पुत्र तू अपनी कहानी खुद लिखेगी और मैं लिखवाऊंगा तेरी आई वाज लाइक ओ माय गॉड जय जय गुरु जी आप कैसे मतलब वो भाव मतलब मैं क्यों मेरे को क्या उस गाने में आनंद आ रहा था कि आपने मतलब वो भाव भी मतलब यू नो आप कैसे पकड़ के आप कैसे इंस्टेंटली मतलब रिस्पॉन्ड करते मैं तो बस हंसती रह गई मैं कहूँ माय गॉड तब से फिर मैं अपना जूम पे स्क्रीन नेम हमेशा कमली पुत्र पायल रखती हूँ क्योंकि ये भी गुरु जी का ही नाम दिया हुआ तो बहुत 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 शुक्राना शुक्राना गुरु जी का कि इतना प्यार करते हैं और हम ऐसे ऐसे सत्संग करवाते हैं हमसे कि बस मन एकदम यू नो समझ ही नहीं आता कैसे क्या बोले कैसे मतलब शुक्राना इज आल्सो नॉट इनफ एंड बस
कैसे कैसे वो हमें जोड़ के रखते हैं। अब आई एंड विद दिस वैलेंटाइन सत्संग जो हुआ था कि मैं दिसंबर में 2020 में सत्संग अटेंड किया था, तो वहाँ पे ये शब्द चल रहा था कि फूलों वाली पाल की विच सतगुरु जी आएंगे करके, एंड आई एंजॉयड दैट अ लॉट। एंड ऑन एंड ऑफ मैं सुबह सुबह उठ के जब गुरु जी का चाय प्रसाद बनाती थी तो मैं ये ऐसे ही यू नो रिसाइट करती रहती थी कि फूलों वाली पाल की विच यू नो आई यूज़ टू से मेरे गुरु जी आएंगे। तो ऐसे ही दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, अब फरवरी में ये हुआ कि मैं ऐसे ही यू नो ऑन एंड ऑफ ये मैं मुंह से यू नो गुरु जी कहलवाते थे। तो क्या हुआ उस दिन वैलेंटाइन्स वाले दिन मुझे ये इमेज दिखा कि गुरु जी अपने रेड ड्रैगन चोले में बैठे हैं एंड नीचे बेड ऑफ रोजेस बने हुए एंड ऊपर लिखा हुआ फूलों वाली पालकी विच सदगुरु जी आए। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा वाह जय गुरु जी। एंड और हमने सोचा था कि शायद हम लोग वैलेंटाइन्स वाले दिन सत्संग रखेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। तो उसके फॉलोइंग एंड ऑफ दैट वीक फिर गुरुजी ने हमसे सत्संग रखवाया। तो उस दिन हम बहुत कम संगत, तो उस दिन आई वॉज सो शॉक्ड कि जो प्यारी संगत आंटी आई वो वही गुरु जी का रेड ड्रैगन वाला स्वरूप लेके आए और हमने वो वैलेंटाइन डे वाला सत्संग किया। एंड आई वाज लाइक जय जय गुरु जी, कैसे आप, मतलब आपने कहा कि वैलेंटाइन डे बहुत बिजी हूँ मैं, तो अब मैं वन टू वन डे साथ सेलिब्रेट करूंगा, तो कैसे गुरु जी मतलब करवाते हैं और कैसे हमारे मन के भाव पढ़ते हैं। तो इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन मैं तो लाइक आई वाज फ्रैंकली वेरी नर्वस, मैं गुरु जी का सत्संग कैसे करूंगी, लाइव होगा कैसे होगा ये हो, मैं परेशान नर्वस हो रही थी। लेकिन मेरे को फिर गुरु जी ने दिखाया कि मैं तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और मैं थोड़े दिन पहले ही कहा था गुरु जी आपने हाथ पकड़ के बैठना है मेरे साथ सत्संग करवाना है। तो अब उनके दरबार में बैठी हुई हूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने आज ये सत्संग कराया और मैं ये अब आपको रेड ड्रैगन वाला चोला जो ये स्वरूप वैलेंटाइन डे पे आया था तो आप दर्शन कर लीजिए कि। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द लवली संगत कि आपने आज ये सत्संग सुना, गुरु जी की वडियाई की, और बस गुरु जी ऐसे ही हम सबको ब्लेसिंग देते रहे, सबका कल्याण करते रहे, सबको इस कोविड में ब्लेस करते रहे, पॉजिटिविटी देते रहे, हम सब मंत्र जाप करते रहे। और मैंने सिर्फ यही अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि आप बस गुरु जी पे बस ब्लाइंडली मतलब फेथ रखिए और जो भी हो रहा है मतलब जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज, एंड आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। एंड गुरु जी आपको ऐसे ब्लेस करके रखते हैं, बस शुक्राना 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 गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, फॉर दिस सेवा, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू से शेयर माय सत्संग, टू शेयर गुरुजी सत्संग में, सत्संग तो कुछ भी नहीं, ये सब गुरुजी के सत्संग है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच।
जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। नेते आंटी जय गुरुजी पायल आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर डिवाइन जर्नी। लाइक जैसे रिलेट कर पाते हैं ना किसी किसी से अपने सत्संग, तो जैसे आपने बोला कि ग्रुप सारे लीव हो गए, वो मे भी हो सकता है नेगेटिव पीपल को गुरुजी हमारे लाइफ से दूर कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा सत्संग। आई एम सो ओवरवेल्म, सो ओवरवेल्म, थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट सुरेशा। हाँ जी, शुक्राना गुरु का, शुक्राना आपका, शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का। हाँ जी, सब शुक्राना, शुक्राना सुरेश अंकल का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया गुरु जी की आज्ञा से, और वो गुरु जी के ब्लेसिंग्स स्प्रेड कर रहे हैं सब जगह, तो बहुत बहुत शुक्राना। बिल्कुल। नाउ आई रिक्वेस्ट सुरेश अंकल, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड थैंक आपका सत्संग बहुत सुंदर था। इट वॉज डिवाइन सत्संग। एक एक सेंटेंस मैंने सुना है और इतना डिवाइन सत्संग है आपका, और उसकी फील जब आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सच्ची आपका सत्संग बहुत डिवाइन था, और आप ब्लेस सोल हो, और जल्दी ही वो जो पालकी वाला जो भजन है वो जल्दी ही आप इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि मतलब गुरु जी की पालकी वाला जो है वो जल्दी ही आपको दिखाएंगे हम इसी प्लेटफॉर्म पे ही। जय गुरु जी। और एक मेरा मैसेज है गुरु परिवार के लिए कि कल COVID-19 पेंडेमिक के चलते 12 डॉक्टर्स का कल इंटरेक्शन है हमारी प्लेटफॉर्म पे, तो कल सत्संग की जगह मेट टॉक्स है। 12 डॉक्टर्स आएंगे कल, और सब साथ संगत से रिक्वेस्ट है कि वो सब डॉक्टर्स अलग अलग डिसिप्लिन के होंगे, अलग अलग स्पेशलिटीज के होंगे, तो कल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सत्संग होगा इसी प्लेटफॉर्म पे 8 to 10। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन एवरीवन। जय गुरु जी। ओवर टू नीति आंटी। जय गुरु जी। नाउ आई रिक्वेस्ट निमेश अंकल, प्लीज प्ले अरदास, सबद दे भले की अरदास। जय गुरु जी। दर तो खाली हो कोई ना जावे, दर तो खाली जो नीत सच्ची ना लावे, अखों ना वेखे तो प्यारा सानू तो
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी।